सालों बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग गुजरात में हुई और हमने ये मीटिंग गुजरात में इसलिए की क्योंकि हिंदुस्तान में दो विचारधाराओं की लड़ाई है और दोनों विचारधारा गुजरात में आपको मिलेंगी। एक तरफ महात्मा गांधी जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जिंदगी का हर क्षण इस देश को बनाने में लगा दिया। आज हम उनके आश्रम में थे और अगर यह देश बना है तो महात्मा गांधी और गुजरात ने इस देश को बनाया है। और आज दूसरी इस देश को कमजोर करने में लगी हैं। आप देखिए इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के चार जज प्रेस के पास जाते हैं, कहते हैं हमें काम करने नहीं दिया जा रहा है और उसके एकदम बाद जज लोहिया जी का नाम लेते हैं। आमतौर से जनता सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है न्याय के लिए। आज के हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट के जज जनता के सामने न्याय मांगते हैं और यह सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के साथ नहीं हो रहा है। जहां भी आप देखें हिंदुस्तान की संस्थाओं पर इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण चालू है। लोगों को बांटा जा रहा है, नफरत फैलाई जा रही है और जो सच्चे मुद्दे हैं उनकी बात सरकार नहीं करती। हिंदुस्तान के सामने सच्चे मुद्दे कौन से हैं? सबसे पहला और सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी। आज हिंदुस्तान में 45 साल से ज्यादा बेरोजगारी है। नरेंद्र मोदी जी मेक इन इंडिया की बात करते हैं, स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं, मगर सच्चाई यह है कि आज हिंदुस्तान का युवा अलग अलग प्रदेशों में रोजगार ढूंढते भटक रहा है। ₹450 युवाओं को 24 घंटे में नरेंद्र मोदी जी की सरकार रोजगार देती है। दूसरी तरफ किसानों का मुद्दा, गुजरात के चुनाव में हमने किसानों की बात की और किसानों ने गुजरात में हमारी पूरी समर्थन की। और किसानों के सामने कौन से मुद्दे हैं? नरेंद्र मोदी जी 3,50,000 करोड़ रुपए 15 लोगों का कर्जा माफ कर सकते हैं, हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का, मगर हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ नहीं कर सकते, एक रुपया कर्जा माफ नहीं कर सकते हैं। उल्टा अरुण जेटली जी कहते हैं किसान का कर्जा माफ करना हमारी पॉलिसी नहीं है। किसान बीमा का पैसा देते हैं और जब आंधी तूफान आता है तो फायदा उन्हीं 15 लोगों की कंपनी को होता है। आप पैसा भरो और सीधा का सीधा पैसा उनकी जेब में जाता है। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव थे,
हमने रोजगार का किसान का मुद्दा उठाया और हमने वहां साफ कह दिया, और वही बात मैंने गुजरात में कही थी कि देखिए हम जो कहते हैं हम करके दिखा देते हैं। और हमने वहां कहा कि अगर नरेंद्र मोदी जी 3.5 लाख करोड़ रुपए 15 लोगों का कर्जा माफ कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी किसानों का कर्जा माफ कर सकती है। और हमने कहा कि देखिए 10 दिन के अंदर इन 3 प्रदेशों में चुनाव के जीतने के 10 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी किसानों का कर्जा माफ कर देगी। और प्रधानमंत्री जी ने बीजेपी के लोगों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी झूठ बोल रही है। भाइयों और बहनों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में 10 दिन नहीं लगे, 2 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी ने इन प्रदेशों के सब किसानों का कर्जा माफ कर दिया। और मुझे दुख होता है कि गुजरात के किसानों का कर्जा हम माफ नहीं कर पाए, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपको भी जरूरत है। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की बिना किसी से पूछे, 8 बजे रात को अनाउंसमेंट करते हैं कि 500 रुपए का 1000 रुपए का नोट रद्दी हो रहा है। और गुजरात का जो एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट है, जो इनोवेटिव स्पिरिट है, गुजरात के छोटे दुकानदार, स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, उस रीढ़ की हड्डी को एक दिन में नरेंद्र मोदी ने तोड़ दिया, करोड़ों लोगों को बेरोजगार किया, हंसते हुए किया। कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गुजरात की जनता से पूछना चाहता हूं, क्या उस भीड़ में जो बैंक के सामने खड़ी थी, क्या उस भीड़ में आपने हिंदुस्तान के काले धन वालों को देखा? क्या आपने अनिल अंबानी को देखा, नीरव मोदी को देखा, मेहुल चौकसी को देखा? नहीं, उस लाइन में हिंदुस्तान के गरीब लोग थे, हिंदुस्तान के किसान, हिंदुस्तान के मजदूर, माताएं बहनें। 15 लाख रुपए वापस करने का कहा था, मिल गया आपको 15 लाख रुपए, आ गया आपके बैंक अकाउंट में। जहां भी जाते हैं कोई ना कोई झूठ बोल जाते हैं। गब्बर सिंह टैक्स, कहा था कि एक टैक्स होगा, सिंपल टैक्स होगा, 12 बजे रात को अनाउंस करते हैं, पता लगता है कि 5 अलग अलग टैक्स। और आज तक गुजरात के छोटे दुकानदारों को, स्मॉल मीडियम साइज बिजनेस वालों को जीएसटी समझ नहीं आई। मैं आप सबको आश्वासन देना चाहता हूं कि 2019 में जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, वैसे ही हम जीएसटी को रिफॉर्म करके आपको एक टैक्स वाली जीएसटी दे देंगे। मगर नरेंद्र मोदी जी सच्चे मुद्दों की बात नहीं करना चाहते। नरेंद्र मोदी जी देश को यह नहीं बताना चाहते कि पिछले 5 सालों में उन्होंने रोजगार के लिए कुछ नहीं किया। नरेंद्र मोदी देश के किसान को यह याद नहीं दिलाना चाहते कि उन्होंने पिछले 5 साल में किसानों की बात नहीं सुनी, किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, किसानों की मदद नहीं की। यह नहीं याद दिलाना चाहते कि उन्होंने किसान से बोनस छीना। एक के बाद एक नई बातें करेंगे। आपने, आपको याद होगा 2014 के चुनाव में प्रधानमंत्री मत बनाओ, चौकीदार बनाओ। ये देखिए मैंने चौकीदार शब्द बोला, ये देखिए चौकीदार। तो आप कुछ और बोलने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ
चौकीदार जवाब मिलता है और फिर हर स्टेज से नरेंद्र मोदी देशभक्ति की बात करते हैं। हर स्टेज से नरेंद्र मोदी बोलेंगे कि मैं देशभक्त हूं। राफेल हवाई जहाज, नरेंद्र मोदी वायुसेना की प्रशंसा करते हैं मगर नरेंद्र मोदी देश को यह नहीं बताते हैं कि उन्हीं पायलट्स और उसी वायुसेना के जेब में से नरेंद्र मोदी ने 30,000 करोड़ रुपए चोरी करके अनिल अंबानी के जेब में डाला है। देखिए मनमोहन सिंह जी बैठे हैं, मनमोहन सिंह जी बैठे हैं, एंटनी जी बैठे हैं। यूपीए के समय एंटनी जी ने, मनमोहन सिंह जी ने एक राफेल के लिए 526 करोड़ रुपए देने के तय किए थे। मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि एचएएल कंपनी, हिंदुस्तान की सरकारी कंपनी जिसने 70 साल से हवाई जहाज बनाए, जिसके हवाई जहाज ने पाकिस्तान में जाके बम गिराए, मिराज हवाई जहाज, उस कंपनी को राफेल का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। भाई और बहनों, अनिल अंबानी ने जिंदगी में हवाई जहाज नहीं बनाया है और मैं गारंटी करके कहता हूं, अगर अनिल अंबानी जी को आपने एक कागज दे दिया और उन्होंने उनको कहा कि भैया कागज का हवाई जहाज बनाओ, अनिल अंबानी जी कागज का हवाई जहाज नहीं बना पाएंगे। बैंक का 45,000 करोड़ रुपए कर्जा है उन पर, एचएल कंपनी ने 3,000 करोड़ रुपए अपना पैसा हिंदुस्तान की सरकार को दिया है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, फ्रांस जाते हैं और भाइयों और बहनों उनके साथ डेलीगेशन में अनिल अंबानी जाता है। फ्रांस के राष्ट्रपति कहते हैं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझे मीटिंग में साफ बोला एचएएल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, अनिल अंबानी को राफेल का कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा और 526 करोड़ का हवाई जहाज नहीं खरीदिए, 1600 करोड़ रुपए का हवाई जहाज खरीदिए। फ्रांस के राष्ट्रपति ने यह बात बोली, होलैंड नाम है, इंटरनेट पर जाके देख लीजिए। सीबीआई का डायरेक्टर जांच करना चाहता है, 1:30 बजे रात को नरेंद्र मोदी जी उसको निकाल देते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सीबीआई डायरेक्टर को रीइंस्टेट करो, वापस लाओ। खारगे जी बैठे हैं, कमेटी पे है, घंटों में नरेंद्र मोदी जी ने सीबीआई डायरेक्टर को निकाल दिया, घंटों में दूसरी बार निकाल दिया क्योंकि सीबीआई डायरेक्टर राफेल पे इंक्वायरी करने जा रहा था। गुजरात की जनता आप मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी जी ने आपको वायदा किया था, हम सबको वायदा किया था कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। गुजरात की जनता को नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहिए, आपने एयरफोर्स के शहीदों का 30,000 करोड़ रुपए उनसे छीन कर अनिल अंबानी को क्यों दिया, किस बेसिस पे दिया? डिफेंस मिनिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स है, हिंदू अखबार में पढ़ लीजिए, साफ लिखा है, डिफेंस मिनिस्ट्री के लोगों ने साफ डॉक्यूमेंटेशन में लिखा है कि नरेंद्र मोदी चौकीदार ने पैरेलल नेगोशिएशन फ्रांस की सरकार के साथ किया। एयरफोर्स के लोगों ने, एयरफोर्स के डॉक्यूमेंटेशन में साफ लिखा है कि चौकीदार। अच्छा, देशभक्ति की बात करते हैं। पुलवामा में बम अटैक हुआ,
मसूद अजहर ने बॉम्ब अटैक किया। और मैं गुजरात से नरेंद्र मोदी से सवाल पूछना चाहता हूं, इस मसूद अजहर को हिंदुस्तान की जेल से पाकिस्तान किसने भेजा? बीजेपी की सरकार ने, वाजपेयी जी की सरकार ने स्पेशल हवाई जहाज में मसूद अजहर को डालकर उसको पैसा देकर कांदाहार पहुंचाया। और नरेंद्र मोदी जी, आपके जो एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोवल जी, वो मसूद अजहर के साथ हवाई जहाज में एस्कॉर्ट बनकर कांदाहार गए। आप देश को समझाइए कि उन 40-45 शहीदों को जिस व्यक्ति ने मारा, उस व्यक्ति को आपने हिंदुस्तान से स्पेशल हवाई जहाज में भेजकर वापस भेजा। आप देश को यह बताइए। देशभक्ति की बात करते हैं ना, तो देश को बताइए कि मसूद अजहर को आपकी सरकार ने पाकिस्तान भेजा था। मसूद अजहर को पकड़ा किसने था? कांग्रेस पार्टी ने पकड़ा था, जेल में हमने उसको डाला था। पंद्रह लोगों को हिंदुस्तान का पूरा धन। भाइयों और बहनों, देखिए, जिस दिन पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई हो रही थी, अखबार पढ़ लीजिए, उसी दिन नरेंद्र मोदी जी ने अपने मित्र को हिंदुस्तान के 5 एयरपोर्ट हवाले कर दिए। 2 हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, एक हिंदुस्तान अनिल अंबानी वाला, मेहुल चौकसी वाला, नीरव मोदी वाला, नरेंद्र मोदी वाला, सूट बूट वाला, और दूसरा हिंदुस्तान किसानों का, मजदूरों का, छोटे दुकानदारों का, छोटे बिजनेस वालों का, मिडिल साइज बिजनेस वालों का, युवाओं का। उनके लिए लाखों करोड़ रुपए, उनके लिए कर्जा माफ, उनके लिए प्राइवेट हवाई जहाज, एयरपोर्ट, पोर्ट, जो चाहिए, आपकी जमीन, जंगल, जल, जो भी उनको चाहिए, बिजली, और आपके लिए नोटबंदी, गब्बर सिंह टैक्स, आत्महत्या, आपके बच्चों को स्कूल जाना हो, कॉलेज जाना हो, जेब से लाखों रुपए पहले निकालो और उन्हीं 15 लोगों को दो। परिवार में कोई बीमार होगा, कैंसर होगा, कैट स्कैन की जरूरत, एमआरआई की जरूरत, प्राइवेट अस्पताल में जाओ और उन्हीं 15-20 लोगों को पहले 15-20 लाख रुपए दो, फिर एमआरआई कराओ, ऑपरेशन कराओ। ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए और ऐसा हिंदुस्तान हम नहीं बनने देंगे, कुछ भी हो जाए। कल अखबार पढ़ रहा था, अखबार में लिखा कि इंग्लैंड की सरकार ने हिंदुस्तान की सरकार को मैसेज भेजा कि हमें आपसे थोड़ा इंफॉर्मेशन चाहिए, इंफॉर्मेशन भेजिए और हम नीरव मोदी को पकड़ के वापस हिंदुस्तान भेज देंगे। इंग्लैंड की सरकार कह रही है कि हिंदुस्तान की सरकार ने रिक्वेस्ट का जवाब नहीं दिया। प्रधानमंत्री नीरव मोदी को नीरव भाई कहते हैं, मेहुल चौकसी को मेहुल भाई कहते हैं, अनिल अंबानी को अनिल भाई कहते हैं, और ये सब लोग नरेंद्र मोदी की मार्केटिंग करते हैं। दिन भर आप इनको टीवी पे देखोगे, पैसा कहां से आता है मैं आपको बताता हूं। अनिल अंबानी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी, विजय माल्या, इन लोगों से पैसा आता है और दिन भर आपका पैसा लूटा जाता है। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय ले लिया है, 2019 में हम ऐतिहासिक काम करने जा रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार 3.5 लाख करोड़ रुपए उनका माफ कर सकती है, अगर अमीर लोगों को वो पैसा दे सकते हैं, तो कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, छोटे दुकानदारों को पैसा दे सकती है।
ऐतिहासिक काम करने जा रहे हैं और गुजरात के हर गरीब को मैं आश्वासन देना चाहता हूं 2019 की सरकार बनेगी और मैं आपको बता रहा हूं, गारंटी करके कह रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के हर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी गारंटीड मिनिमम इनकम लागू कर देगी। मतलब गारंटीड मिनिमम आमदनी हिंदुस्तान के हर नागरिक को कांग्रेस पार्टी डायरेक्ट सीधा बैंक अकाउंट में पैसा डाल देगी। ऐतिहासिक काम है, कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मैं मैसेज देना चाहता हूं, देखिए गुजरात का चुनाव हुआ और आप लड़े, बब्बर शेर जैसे कांग्रेस के सब वर्कर एक होके आप लड़े, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक में कांग्रेस पार्टी लड़ी और बीजेपी के लोग बच के निकले, पता नहीं कैसे निकले मगर बच के निकले, बुरा गुजरात जानता है। और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने यह काम किया, यह विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ नफरत गोडसे, दूसरी तरफ प्यार महात्मा गांधी और गुजरात का इतिहास। और जीत महात्मा गांधी की होगी, प्यार की होगी, भाईचारे की होगी, कांग्रेस पार्टी की होगी, गुजरात की होगी। तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि चुनाव में आप गुजरात के हर घर में जाओ, गांव में, शहरों में जाओ और गुजरात की जनता को बताओ कि पिछले 5 साल से नरेंद्र मोदी जी वायदे कर रहे हैं। मेक इन इंडिया का वायदा किया, 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी, किसानों के लिए वायदे किए, एक वायदा पूरा नहीं किया, 15 लाख रुपए का वायदा किया वो पूरा नहीं किया, और दूसरी तरफ जो कांग्रेस पार्टी कहती है वो करके दिखा देती है। हमने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में किसानों से वायदा किया, 2 दिन में हमने पूरा कर दिया। जो हम कहते हैं वो हम करके दिखा देते हैं। और इस चुनाव में सच्चाई की जीत होने वाली है, नरेंद्र मोदी जी और नफरत की हार होने वाली है। कांग्रेस पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी विचारधारा के लिए लड़ते हो और आने वाले चुनाव में आप यहां पूरी की पूरी सीटें कांग्रेस पार्टी को जिता के दोगे। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। तो गांधीनगर में जन संकल्प रैली के दौरान राहुल गांधी ने संबोधन किया और इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों का कर्ज माफ कर सकती है तो देश में लोगों को बांटा जा रहा है, ये भी बात कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कही। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में 2 विचारधाराओं की लड़ाई है और दोनों विचारधारा आपको गुजरात में मिलेगी। तो एक तरफ महात्मा गांधी और गुजरात ने इस देश को बनाया है, हिंदुस्तान में आज नफरत फैलाई जा रही है और सच्चे मुद्दों पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है।
तो गांधीनगर में कांग्रेस की जनसंकल्प रैली के दौरान राहुल गांधी ने रोजगार, किसान, राफेल को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि मसूद अजहर को हिंदुस्तान की जेल से पाकिस्तान किसने भेजा। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि 2019 में हम ऐतिहासिक काम करने जा रहे हैं जो गरीबों और किसानों के लिए होगा। वहीं केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि इस देश में दो हिंदुस्तान बनाया जा रहा है, एक अंबानी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी वाला और दूसरा गरीबों, छोटे व्यापारियों वाला। तो वहीं राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को मिनिमम इनकम सीधे अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी अगर 2019 में कांग्रेस की सरकार बनती है। वहीं नोटबंदी, जीएसटी, राफेल, रोजगार, किसान, इन सब को लेकर केंद्र सरकार पर तंज कसा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने और इससे पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने यह कहा कि अपना वोट और अपने हथियार का इस्तेमाल जरूर करें और एक सच्ची सरकार को चुनें। तो आतंकी मसूद अजहर को बीजेपी ने रिहा किया, ये बात भी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कही। आतंकी को विशेष विमान से कंधार भेजा गया, कांग्रेस सरकार ने आतंकी मसूद को पकड़ा। तो बीजेपी देश में दो हिंदुस्तान बनाना चाहती है, अंबानी, मोदी, चौकसी का हिंदुस्तान बेहद खतरनाक है, गरीबों किसानों के हिंदुस्तान की वहां पर देखा जाए तो अनदेखी की जा रही है। वायुसेना का पैसा छीनकर अंबानी को दिया जा रहा है और इस दौरान उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने अनिल अंबानी को इसका फायदा पहुंचाया है। राफेल डील को लेकर एक बार फिर से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वार किया। तो चलिए एक बार फिर से आपको सुनाते हैं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। भाइयों और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। बहुत गर्मी है और हमारा प्रोग्राम एक डेढ़ घंटा लेट चल रहा है, तो आपको कष्ट हुआ इसके लिए मैं आपसे शुरुआत में माफी मांगना चाहता हूं। सालों बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग गुजरात में हुई और हमने ये मीटिंग गुजरात में इसलिए की क्योंकि हिंदुस्तान में दो विचारधाराओं की लड़ाई है, महात्मा गांधी जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी का हर क्षण इस देश को बनाने में लगा दिया। आज हम उनके आश्रम में थे और अगर ये देश बना है तो महात्मा गांधी और गुजरात ने इस देश को बनाया है। और आज दूसरी शक्तियां इस देश को कमजोर करने में लगी हैं। पुलवामा में बम अटैक हुआ, मसूद अजहर ने बम अटैक किया और मैं गुजरात से नरेंद्र मोदी से सवाल पूछना चाहता हूं, इस मसूद अजहर को हिंदुस्तान की जेल से पाकिस्तान किसने भेजा? बीजेपी की सरकार ने, वाजपेयी जी की सरकार ने स्पेशल हवाई जहाज में मसूद अजहर को डालकर उसको पैसा देकर कांदाहार पहुंचाया। और नरेंद्र मोदी जी, आपके जो एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोभाल जी, वो मसूद अजहर के साथ हवाई जहाज में एस्कॉर्ट बनकर कांदाहार गए।